हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल. दिस इज़ राघव अरोड़ा. और गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की. क्या डेफिनेशन होती है डॉट प्रोडक्ट की? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर आ रहे हैं. बेसिकली मैं थोड़ा सा प्रीफेस दे देता हूँ. प्रीफेस क्या देने के लिए है? प्रीफेस ये है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. एडिशन क्या होता था? अगर दो वेक्टर्स हैं तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना सीख चुके हो प्रीवियस वीडियो से, ठीक है. हम लोगों ने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. वो क्या था? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि इफेक्टिवली ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर था. ये भी आप लोग सीख चुके हो. नेक्स्ट ऑपरेशन आता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो उसमें ही हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट के बारे में सीखने वाले हैं. तो बेसिकली गाइज, आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स में, वो दो तरह का होता है. कौन कौन से तरह का होता है? एक होता है प्रोडक्ट्स में, क्या नाम दिया गया है? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट. ओके, ये नाम दिया गया है एक तरह के प्रोडक्ट को. वेक्टर्स को दो तरह से प्रोडक्ट किया जा सकता है. और दूसरी टाइप होती है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की. तो ये दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं. एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के साथ. ओके, तो एक चीज बताना चाहूंगा आपको शुरू करने से पहले. जैसे कि हम लोगों ने सीखा है गाइस, कि दो नंबर्स का एडिशन क्या होता है. हम लोग आज तक सीखते आए हैं कि चलो प्रोडक्ट से ही सीखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? एक नंबर होता है. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है? वो एक मैट्रिक्स ही होती है. सही बात है. तो ये बात तो सत्य थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक वेक्टर ही हो. इट कैन बी अ वेक्टर और स्केलर. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, जैसे कि बाकी चीज़ों में मिलता है कि नंबर्स को प्रोडक्ट करो तो नंबर मिलता है, मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करो तो मैट्रिक्स मिलती है. इसी तरह से अगर आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक वेक्टर ही मिले. इसके दो केसेस आ जाते हैं गाइस. डिपेंड करेगा आप कौन सी टाइप का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है. वेक्टर किस केस में आएगा? अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी दो वेक्टर्स का, तो वो आपको क्या देगा रिजल्ट में? एक वेक्टर देगा, ठीक है. इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है, बिकॉज जो आपको रिजल्ट आता है वो आता है वेक्टर. और अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा आंसर में? एक स्केलर मिलेगा. और इसी कारण से इसका जो नेम है वो स्केलर प्रोडक्ट भी दिया गया है. आई होप आपको यहाँ तक की मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है. अब बढ़ते हैं अपनी मेन हेडिंग पर. इस वीडियो में हम लोग बहुत ध्यान से सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता क्या है. काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं 3D में भी और वेक्टर्स में भी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे. तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? तो लिख लेते हैं. सबसे पहले डिनोट किस तरह से करा जाता है? फॉर टू वेक्टर्स
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से इसको डिनोट करा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम ए डॉट बी, इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है, इसको इसी तरह से डिफाइन करा जाता है, इसका एज सच प्रूफ नहीं होता है, बट हाँ इसको इस तरह से ही डिफाइन करा गया है चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिनोट करते हैं, ए डॉट बी, बीच में एक डॉट लगाकर, और कैसे डिफाइंड है, अगर ए डॉट बी निकाल रहे हैं आप तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, जहां पर जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स, एंड जो थीटा है वो कहां से कहां तक हो सकता है, जीरो से लेकर पाए तक हो सकता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हुई है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं फिगर ड्रॉ करना चाहूं तो मान लीजिए ये आपका b वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर आपका a वेक्टर है और ये इनके बीच में एंगल है थीटा, ये आपका a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, दिस इज द एंगल थीटा, ओके। तो अगर आप a डॉट b निकाल रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो b के अलोंग a का कंपोनेंट है आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैं इस a की बात करूं तो b के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा, यानी कि मॉड a cos थीटा, और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b से। तो बेसिकली अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, एज पर फिगर ये क्या लिखा हुआ है, जो a डॉट b है ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गाइस मॉड a cos थीटा इंटू b वेक्टर का मॉड्यूलस। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, अगर आपने मेरा कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाला वीडियो देखा है जो इससे जस्ट प्रीवियस था, ओके? तो ये बात वैसे एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ध्यान रखने की बात है, जो मेन बात है गाइस, वो क्या है कि अगर कोई भी दो गिवन वेक्टर्स होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, चलो ए बी लिख लिया है छोड़ो, फिलहाल कुछ और वेक्टर्स के नाम लेते हैं ताकि आप रटो नहीं, तो जो आपका x वेक्टर और y वेक्टर अगर आपके कोई गिवन हो, तो जो आपका x डॉट y होगा वो होगा मॉड्यूलस ऑफ x, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ y वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दिस इज द फॉर्मूला, और आपको इसको बाय हार्ट याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या होता है ये, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बातें लिख लेते हैं, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, तो यहां पर मैं रेफरेंस के लिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही कंसीडर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हम दो वेक्टर्स कंसीडर ऑलरेडी कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ताकि चीजें आसान रहें और बार बार लेट ना करना पड़े। तो रिजल्ट्स में जो पहली बात आप लोगों ने देखनी है, जो पहली चीज है वो ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखेंगे। सेकंड बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि ए डॉट बी, या फिर जो डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, मैं लिख देता हूं दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट जो होता है टू वेक्टर्स का, वो क्या होता है, इज अ नंबर। यानी कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में, एक नंबर मिलेगा। आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं गाइस, सिंपल सी बात है। ए डॉट बी किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी अ नंबर, सही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगेन विल बी अ नंबर, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा जब आप इवेल्यूएट करेंगे तो वो भी एक नंबर ही आएगा। तो जब तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको आंसर में भी एक नंबर ही मिलेगा, या फिर इसको एक स्केलर भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे गाइस, ठीक है, कि जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है। यानी कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर नहीं मिलेगा, दैट विल बी अ स्केलर। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई है। ठीक है, उसके बाद बात करनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू जीरो इफ, क्या किस किस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन देम जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, अगर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब अगर इन तीन क्वांटिटीज में से, तीन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं यहाँ पर, एक तो ए वेक्टर है, दूसरी क्वांटिटी यहाँ पर बी वेक्टर है, और तीसरी क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है। अगर इन तीन में से कोई एक भी जीरो हो जाती है और बाकी दो नॉन जीरो रहती हैं, उस केस में भी हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, जीरो के। तो इससे हमें क्या कॉन्क्लूजन मिला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर कब होगा, व्हेन, पहली बात, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जीरो के बराबर हो जाए, यानी कि अगर पहला वेक्टर जीरो वेक्टर हो तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाए वो जीरो के बराबर हो जाए, सही बात है। अगर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो जाएगा तब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और अगर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो जाएगा तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो बात तो ये हो गई, और थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है अगर कॉस थीटा किसके इक्वल जीरो हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, सही बात है। इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई करता हूं, अगर कॉस थीटा जीरो के इक्वल हो गया मतलब कि थीटा क्या हो गया, पाई बाय टू के बराबर हो गया, ठीक है, फॉर द टाइम बींग। ओके, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बिकॉज थीटा उन दोनों के बीच का एंगल था। तो तीन केसेस में पॉसिबल है जब आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर हो सकता है, या तो जो वेक्टर्स हैं गिवन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो के बराबर हो जाए, तब जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तब जीरो हो जाएगा। अगर वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो एक ही केस बचता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो है, यानी कि वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, गिवन कि जो वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, बिकॉज अगर जीरो वेक्टर है तो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन भी आपकी बन सकती है। ठीक है, तो तीन केसेस आप अच्छे से याद रखेंगे। पहली बात, अगर ए डॉट बी जीरो है तो आप ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे तो आपको आगे का कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर है यानी कि ये क्वांटिटी जीरो के बराबर है, यानी कि या तो आपका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो जाएगा, सही बात है, या तो आपका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो जाएगा, या तो ए जीरो या फिर बी जीरो, नहीं तो कॉस थीटा जीरो। कॉस थीटा जीरो होने का मतलब क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो ए वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर हो गया, बी वेक्टर के। ठीक है, अब मैं इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके फोर्थ पॉइंट बनाकर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं दोनों, देन मैं कह सकता हूं कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है तो ये हमें बाय इंप्लाई करेगा कि जो ए वेक्टर है वो
परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी कि उनका जो अपना मैग्नीट्यूड है वो जीरो के इक्वल नहीं है, अगर उनका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी नहीं है और सेकंड कंडीशन है वो भी नहीं है। उस केस में कह सकता हूं मैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, थोड़ा इनकम्प्लीट लिख दिया गाइस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का कुछ मतलब नहीं हुआ, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो विल इंप्लाई दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर मैं इसी पॉइंट को अदर वर्ड्स में लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर इफ इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है गाइस। ये इनडायरेक्टली एक परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन भी है, यानी कि आपको वेक्टर्स के क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी गिवन हो ये बात कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो आप उन दोनों वेक्टर्स का फटाफट से डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर रखकर एक कंडीशन अपनी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली कहने के लिए होता है कि अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो ये ना कहकर ए डॉट बी जीरो दे सकता है, या फिर अगर उसने ए डॉट बी जीरो दे दिया है तो आपको समझ जाना है कि उन दोनों का जो आपस में एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, प्रोवाइडेड वो नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। बिकॉज अगर जीरो वेक्टर हुआ कोई तो वो थर्ड सिनेरियो भी आ सकता है कि उनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको मेरी यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के, ठीक है गाइस। सो दिस इज द मैक्सिमम ए डॉट बी, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्या होती है, वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड इज एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ए डॉट बी की वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा इक्वल्स टू 0 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है गाइस। आई होप आपको मेरी ये बात भी क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी 90 नहीं, 90 तो हम कर चुके हैं, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हम कर चुके हैं, 180 डिग्री लेते हैं, तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका ए डॉट बी। सो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि ए डॉट बी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ उनके मैग्नीट्यूड के एंड इज एट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां से नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट तो वो क्या होगा, अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो किसी एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल होगा। तो भाई अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं अगर इन दोनों को अलग अलग वेक्टर्स मानता हूं तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम,
तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम में अगर मैं यहां पर फिलहाल थीटा लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, अभी लिखते हैं। अब आप एक मेरे को बात बताओ, एक वेक्टर का खुद से एंगल क्या होगा, यानी कि अगर मैं इस ए वेक्टर की बात करूं तो इसका खुद के साथ एंगल क्या है, क्या है, 0 डिग्री तो है, खुद से क्या एंगल बनाएगा ये वेक्टर, 0 डिग्री बनाएगा, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया मोड ए इंटू मोड ए, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड्स हैं तो इसका मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, मोड ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ए का होल स्क्वायर। तो यहां से कॉन्क्लूजन क्या निकला कि अगर कोई दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जो एक ही वेक्टर है, यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ लेते हैं, तो वो बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के। ठीक है गाइस, आशा करता हूं आपको यहां तक की मेरी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इसमें हम लोगों को देखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स होता है वो क्या होता है। आप लोगों को पता है कि 3 यूनिट वेक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई के अलोंग और ये जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे, डेफिनेशन की फील लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी चीज़ें ऊपर सिखाई गई हैं उस पर बेसिस पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर होगा, एक वेक्टर का खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन सिर्फ कहना गलत है बिकॉज वेक्टर्स में दो तरह के हैं, डॉट प्रोडक्ट एक एक वेक्टर का खुशी के साथ क्या होगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, बिकॉज ये आई कैप है यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। सिमिलरली सेम ही बात है, ये बात किसके इक्वल हो जाएगी, जे कैप डॉट जे कैप में भी सिमिलर कंडीशन होगी और के कैप डॉट के कैप में भी सेम कंडीशन होगी। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा समराइज करूं, चलो समराइज करने से पहले नेक्स्ट चीज भी देख लेते हैं। ये तो बात हो गई जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट उन्हीं के साथ की। अब अगर मैं बात करता हूं कि एक यूनिट वेक्टर जो हमारे आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, अगर इसका इनका मैं डॉट प्रोडक्ट आपस में लेता हूं, यानी कि अगर मैं बात करता हूं आई कैप डॉट जे कैप की या फिर जे कैप डॉट के कैप की या फिर के कैप डॉट आई कैप की या फिर एनीवे आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, बिकॉज मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, मैं यहां पर लिख देता हूं अभी के अभी, वो क्या है, जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है ना गाइज, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट के, उसका मतलब हो गया कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहे हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है, इसीलिए मैंने अदर वे नहीं लिखा, आई डॉट जे लिखा है, जे डॉट आई नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। आप लोगों को पता है कि जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और जो जे कैप होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है और जो के कैप होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो अगर आप किसी एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं एक ऐसे वेक्टर के साथ जो वाई या जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हों वो क्या डॉट प्रोडक्ट देते हैं,
जीरो देते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आई डॉट जे यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा जीरो के बराबर। सिमिलरली जे डॉट के भी दो परपेंडिकुलर है बिकॉज वाई एक्सिस के अलोंग जे है और के जेड के अलोंग है और एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सिमिलरली के डॉट आई यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर का वो किसके इक्वल होता है जीरो के। तो इसका मतलब ये हो गया कि i डॉट j, j डॉट k डॉट i किसके बराबर होता है जीरो के। तो फाइनली मैं समराइज कर देता हूं यूनिट वेक्टर्स के लिए कि जो i डॉट i होता है, जो i डॉट i होता है वो इक्वल होता है j डॉट j के, वो इक्वल होता है k डॉट k के, और ये तीनों किसके इक्वल है वन के इक्वल, ठीक है। और दूसरी बात i डॉट j या फिर j डॉट k या फिर i डॉट k, इन तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है गाइज जीरो के इक्वल। तो आपको ये बात पल्ले बिठा लेनी है बिल्कुल, और ध्यान से इस बात को आप याद रखेंगे। याद क्या रखना है यार, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है डॉट प्रोडक्ट की तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इशू आना चाहिए, काफ़ी ईजी है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है, वो है कि अगर आपको मैं दो वेक्टर्स दे दूं, ठीक है, कौन सा नंबर था मैं भूल गया, एक बार देख लेते हैं। एट पॉइंट्स हम अभी तक लिख चुके हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है नाइन पॉइंट। अगर आपको ए वेक्टर गिवन हो ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप एंड एक और b वेक्टर गिवन हो, वो क्या है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है यानी कि अगर मैं a डॉट b की बात करूं जो कि इक्वल होगा b डॉट a के भी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, मैंने ये नहीं बोला कि सारे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं किसके इक्वल होता है, फिर प्रूव करके दिखाऊंगा। वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स के अलोंग जो कोफिशियंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू के। गाइज आई होप आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हो रही है। मैंने क्या बोला, अगर मैं किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं और दो वेक्टर्स मेरे को गिवन है आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो अगर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो जो उनके जो कोफिशियंट्स हैं आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर के, वो कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हुई है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊं आप लोगों को, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं यानी कि अगर मैं आपको एक वेक्टर दिए जाए, ए वेक्टर आपको गिवन हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर आपको गिवन हो माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और आपसे पूछा जाए कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको i वेक्टर के कंपोनेंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस j वेक्टर के कंपोनेंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस k वेक्टर के कंपोनेंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि i का दिस इज 2 दिस इज माइनस 2, तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस j का 3 एंड 1 बिकॉज j के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस 4 प्लस 3 प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का 3, दिस विल बी योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में कुछ भी टफ नहीं है। अब आप कहोगे भैया आप तो कभी भी रटवाते नहीं हो, तो आपने डायरेक्टली कैसे बोल दिया कि ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू के बराबर होता है। तो चलिए भाई इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो टाइम सेव करने की वजह से कह रहा था, चलो करा ही देता हूँ, फिर तुम लोग सोचोगे कि भैया वो भी नहीं पता, ठीक है। तो हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन थे, ठीक है, तो अगर मैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रूफ लिख लेते हैं भाई, प्रूफ देख लो, प्रूफ क्या है, अगर मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखता हूं तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a1 i कैप प्लस
बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, यही तो होगा गाइस। ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप डॉट टाइम्स ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ठीक है, यही होगा। तो अगर मैं एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो सबसे पहले मैं इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा ए वन आई कैप डॉट टाइम्स ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यही तो कहता है, प्लस बी वन जे कैप टाइम्स, पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट डॉट ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ठीक है। अब प्लस सी वन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं गाइस, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस सी वन के कैप डॉट पूरा का पूरा वेक्टर ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा। अब मैं एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए वन ए टू, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, और आई कैप डॉट आई कैप के इक्वल प्लस ए वन बी टू, और साथ में क्या है आई कैप डॉट जे कैप, बिकॉज कोफिशियंट्स बाहर आ गए, ठीक है, वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्लस ए वन सी टू, और ये हो जाएगा आई कैप डॉट के कैप के इक्वल। सिमिलरली आगे जब हम लिखेंगे तो ये जाएगा बी वन ए टू जे कैप डॉट आई कैप प्लस बी वन बी टू जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस बी वन सी टू, ये क्या हो जाएगा जे कैप डॉट के कैप, ये हो गया। अब अगले पर आ जाते हैं, प्लस सी वन ए टू के कैप डॉट आई कैप प्लस सी वन बी टू के कैप डॉट जे कैप प्लस सी वन सी टू के कैप डॉट के कैप, ये हो गया आपका गाइस, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की मेरी बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। तो अब ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि आई डॉट आई जे, जो जे डॉट जे और के डॉट के किसके इक्वल है, वन के इक्वल। लेकिन अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, यानी कि अगर आई को छोड़ के जे या के साथ लोगे, या फिर जे का आई या के साथ लोगे, या फिर के का आई या जे के साथ लोगे, वो किसके इक्वल होता है, जीरो के, बिकॉज वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा ए वन ए टू टाइम्स आई डॉट आई किसके इक्वल हो जाएगा, वन के, प्लस ए वन बी टू टाइम्स आई डॉट जे किसके इक्वल, जीरो के, प्लस ए वन सी टू टाइम्स आई डॉट के किसके इक्वल, जीरो के, प्लस बी वन ए टू टाइम्स जे डॉट आई किसके इक्वल, जीरो के, प्लस बी वन बी टू टाइम्स जे डॉट जे किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, वन के इक्वल हो जाएगा, प्लस बी वन सी टू टाइम्स जे डॉट के अगेन जीरो के इक्वल हो जाएगा, प्लस सी वन ए टू टाइम्स के डॉट आई अगेन जीरो, बिकॉज के डॉट आई परपेंडिकुलर है, सी वन बी टू के डॉट जे अगेन जीरो, एंड लास्टली लास्ट में क्या आ गया सी वन सी टू के डॉट के किसके इक्वल हो जाएगा, वन के, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं बिकॉज। तो ये बेसिकली किसके आगे क्या निकल कर आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या निकल आई, ये निकल कर आई ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। तो यही हम लोगों ने रिजल्ट में लिखा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो आपको उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली आप उनका आई से आई को मल्टीप्लाई करें, प्लस जे से जे को मल्टीप्लाई करें, प्लस के से के को मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आए लिख दें। आशा करता हूं आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है गाइस, आशा करता हूं हमने एक डॉट प्रोडक्ट निकाल कर भी देख लिया, ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक लास्ट चीज हम लोगों को सीखनी है गाइस, ठीक है, लास्ट टॉपिक एक हमारा, वो क्या है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये सीखना है हमें, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं होता है,
प्रोजेक्शन को मैं रटवा भी सकता हूँ आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत आसान टॉपिक है ये आपका। कोई ए वेक्टर गिवन है, ये क्या है ए वेक्टर, और ये आपका गिवन क्या है बी वेक्टर, ठीक है? तो अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले तो लिखवा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले लिखवा देता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए की प्रोजेक्शन बी पर क्या होगी? ए की प्रोजेक्शन बी पर होगी ए वेक्टर डॉट बी कैप, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बिकॉज बी कैप क्या होगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है? गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये चीज मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में सिखा चुका हूं, ठीक है? नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं फिलहाल, अभी समझाता हूं ये कैसे आया। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के, ठीक है? ये तो डेफिनेशन होती है। आपसे हमेशा क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही पूछा जाएगा नॉर्मल वे में कि आप इस गिवन वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल दो ऑन दिस वेक्टर, ठीक है? अब समझते हैं प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो प्रोजेक्शन के मतलब की बात करनी है तो थोड़ी फिगर देख लेते हैं। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ओके, और ये कोई वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर, ठीक है? और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि ए वेक्टर का कितना भाग बी वेक्टर पर आएगा। बेसिकली प्रोजेक्शन वर्ड कहां से आया? अगर मेरे को ए की प्रोजेक्शन बी पर निकालनी है तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा, टॉर्च जलाऊंगा, ठीक है? ऐसा कहीं किताबों में मेंशन नहीं है टॉर्च वॉर्च जलाने का, ठीक है? आप समझने के लिए समझो कि मैं यहां से टॉर्च जलाऊंगा, तो जितनी ए की परछाई बी पर पड़ेगी वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो अगर मैं इसकी परछाई की बात करूं, सारे में लाइट जाएगी, ठीक है? मैं लाइट भी बना देता हूं, तुम खुश हो जाओ। तो ये आई लाइट, ठीक है, ये टॉर्च से लाइट आई, ठीक है? तो जितनी भी लाइट आई तो उससे जो आपकी ए की परछाई है वो बी पर पड़ेगी, तो जितनी भी ए की परछाई बी पर पड़ेगी, मान लीजिए मैंने टॉर्च जलाई ऊपर से, तो जितनी भी ए की परछाई बी पर पड़ेगी उसको बोलूंगा मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इस लाइट से अगर मैं ए की परछाई जो बी पर पड़ी उसकी बात करूँ, वो कितना पोर्शन होगा? इतना, सिर्फ इतने ही तो पोर्शन में जो ए की परछाई है वो नीचे आकर ऐसे गिरेगी। आप ध्यान से देखो ना, अगर आप इस ए वेक्टर को बी के ऊपर गिरा देते हो, या फिर इस ए वेक्टर की परछाई की बात करते हो इस टॉर्च से जो बी वेक्टर पर आई, तो जो आपका इतना पोर्शन होगा यही तो होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सिमिलरली अगर आप बी वेक्टर की ए पर देख रहे हो तो सेम कॉन्सेप्ट है कि ए वेक्टर पर बी के थ्रू टॉर्च जलाकर देख लो, जितना बी का पोर्शन ए वेक्टर पर गिरेगा उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या सीखा था, ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है? तो मैं अगर इस फिगर से ही बात करूं और मैं इसको एक बार के लिए ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को मैंने स्मॉल पी बोल दिया, स्मॉल पी। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूं, इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? ए बी सी में, अगर मैं कॉस थीटा लगाता हूं तो क्या वो पी अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा? ध्यान से देखो, कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? पी अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही बात है क्या? सही बात बोल रहा हूं मैं? सोच के बताओ, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बताओ बताओ, देखो समझो। बेसिकली जो आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखा है, चलो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां से पी की वैल्यू आपकी क्या आई? पी की वैल्यू आपकी क्या आई?
मॉड ए कॉस थीटा, ये तो आया प्रोजेक्शन का आंसर, लेकिन परछाई इस तरफ ही तो है। जैसे आप इस ए वेक्टर को नीचे गिर दोगे तो ये जो आपकी डायरेक्शन है वो इस तरफ रहेगी ना, इस तरफ रहेगी ना आपकी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन। और आपको मैंने सिखाया था कि किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए उसके अलोंग यूनिट वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए उसके अलोंग यूनिट वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर मेरे को बी वेक्टर, क्योंकि अब आपको साफ दिख रहा है कि ए वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, बी वेक्टर के, तो अगर मेरे को कोई यूनिट वेक्टर देखना हो जो कि बी वेक्टर के अलोंग हो, तो क्या मैं उसको बी कैप नाम दे सकता हूँ? सही बात है, सही बात है बिल्कुल। क्या मैं उसको बी कैप नाम दे सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी कैप? क्यों लिखा मैंने? बिकॉज ए वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है जो कि आपकी ए बी के बराबर है, वो क्लियरली आप देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में है, बी के अलोंग। तो मैंने डायरेक्शन देने के लिए बी कैप लगा दिया, इससे मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन इस पी वेक्टर को डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। अब अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो अगर मैं ए डॉट बी लिखता हूं, तो वो भी तो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इससे अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस कॉस थीटा को यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और लास्ट में बी कैप। तो इससे ये हटा दिया तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं विद डायरेक्शन बात करूं प्रोजेक्शन की, तो वो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा बी कैप, लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रोजेक्शन की बात करूं तो इसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के, वही तो लिखा मैंने। सो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो, प्रूफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, याद रख लो यार, बहुत आसान है। किसी पहले वेक्टर के दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होगी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिसके ऊपर निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। यानी कि अगर मैं चिंटू की मिंटू पर प्रोजेक्शन निकालूं तो वो हो जाएगा चिंटू डॉट मिंटू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मिंटू। अगर मैं अकबर की एंथनी पर निकालूं, अकबर की एंथनी पर निकालूं, तो अकबर डॉट एंथनी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एंथनी, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर की लैपटॉप पर निकालूं तो कंप्यूटर डॉट लैपटॉप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैपटॉप, लेकिन अगर मैं लैपटॉप की कंप्यूटर पर निकालूं तो लैपटॉप डॉट कंप्यूटर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्यूटर, जिस पर निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और उनका आपस में क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एग्जाम्पल लेने की जरूरत है क्या यार, बहुत आसान है, मेरे को लगता नहीं, बिल्कुल प्रोसीजरल है, तुम्हें आता ही है डॉट प्रोडक्ट निकालना, तुम बहुत इजीली कर लोगे। वेरी वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो वो क्या होता है वो देख लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ही डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे होंगे एंगल को निकालने में, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो वो बहुत आसान होता है। आपको मैंने पढ़ाया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर सॉरी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही फॉर्मूला है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का। यानी कि अगर आपको कभी भी जीवन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने हो तो आप इस तरह से निकालेंगे, यानी कि उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर उनके मैग्नीट्यूड से उनको डिवाइड कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं एक इलस्ट्रेशन लेना चाहूँगा, मैं लेना चाहूँगा ये ए वेक्टर आपके पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपसे पूछा गया है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एंगल निकालने की बात आएगी तो वो होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू
ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसका मतलब हमें ये क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी और ये दोनों क्वांटिटीज निकालनी पड़ेगी। तो चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनका होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये हो जाएगा √3 के बराबर। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बोलूं तो वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के बराबर। फिर अगर मैं बात करता हूँ ए डॉट बी की, तो बेसिकली वो क्या होता है, उनके कॉम्पोनेंट्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आई का आई के साथ, विच इज क्या हो गया 1 इंटू -1, प्लस जे का जे के साथ वो कितना होगा 1 इंटू 1, प्लस के का के साथ तो होगा -1 इंटू 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, ए डॉट बी 1 के बराबर। अब अगर एंगल की बात करी जाए, कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी यानी कि 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगेन √3। दिस इंप्लाइज जो आपका कॉस थीटा आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 1/3 के इक्वल। सो इसका मतलब हो गया जो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स है ए और बी, वो क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1/3। दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, सॉरी किसी भी वेक्टर का एंगल, किसी दो वेक्टर्स का एंगल निकाल सकते हो। काफी इजी था ये भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन प्रोजेक्शन पर भी ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप ऑन जे कैप। कंफ्यूज कर दूंगा आपको थोड़ा सा, आई कैप का जे कैप के ऊपर प्रोजेक्शन बताओ। भाई पहली बात तो साफ है कि आपको दिखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर जीरो आने वाला है। क्यों भला भाई, अगर आई कैप ये है तो जे कैप ये होगा उसके परपेंडिकुलर, आई जे। तो चाहे आप जितनी मर्जी टॉर्च मार लो, क्या आई पर इसकी कोई परछाई आने वाली है, जी नहीं, इसकी परछाई तो एज इट इज ऐसे ही रहेगी, ठीक है। चलो ये तो हो गई कहानी की बात। अगर आई कैप का जे कैप पर प्रोजेक्शन निकालना है पी आई जे, यानी कि पी आई का जे पर, तो वो हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। आई डॉट जे क्या होता है, जीरो, और जे का मैग्नीट्यूड 1, तब भी आंसर जीरो ही आ रहा है, फॉर्मूला से भी जीरो आ रहा है। और आप सोच कर भी देख लो कि आई का जे पर निकाल रहे हो, आई का जे पर निकाल रहे हो, तो सॉरी ये जे होगा, ठीक है, और ये आई होगा। अब टॉर्च ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आई का आप कोई भी प्रोजेक्शन नहीं पाओगे जे पर, फॉर्मूला के हिसाब से भी और वैसे भी, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल लेता हूं और ये इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। अगर आपको गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और आपको गिवन है कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, जीरो के, तो आपको वैल्यू बतानी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में अक्सर पूछी जाती रहती है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। क्या गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। बिल्कुल सही बात है, तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, 1 के। अगली बात गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ये गिवन है, ठीक है। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं, बिकॉज और तो कुछ भी गिवन नहीं है, इससे शुरुआत करते हैं, कंसीडर करते हैं। चलो मान लेते हैं आपको कंसीडर करा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था गाइज, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था
कि अगर आप किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखते हो तो वो उसके मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी तो कोई वेक्टर ही होगा। उस वेक्टर को मैं नाम ना देकर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या इनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सही बात है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर जीरो है तो इनका जो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होगा क्या वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा? बिकॉज ये जीरो वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, तो जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर जीरो के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जीरो किसके इक्वल आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये किसके हो जाएगा इक्वल? ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक एक करके कर रहा हूँ, पहले इसको इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, प्लस फिर बी का भी सिमिलर, फिर सी का भी सिमिलर, बी डॉट बी हो गया प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। नेक्स्ट सी पर आएंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा गाइस। अब फर्दर जीरो किसके बराबर हो गया? अब ए डॉट ए किसके बराबर होगा? मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकता हूँ, बिकॉज जो आपको कम्यूटेटिव लॉ है वो सेटिस्फाई करता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो इसको ए डॉट बी लिख दिया। देन बी डॉट बी को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ एज पर प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए को अगेन ए डॉट सी लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज फर्क नहीं पड़ता किस ऑर्डर में ले रहे हो डॉट प्रोडक्ट के केस में। सी डॉट बी को अगेन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख देते हैं, प्लस सी डॉट सी क्या हो जाएगा? मोड सी का होल स्क्वायर। तो जीरो किसके बराबर हो गया? मोड ए का होल स्क्वायर, मोड बी का होल स्क्वायर, मोड सी का होल स्क्वायर। ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड वन है, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये हो गया वन प्लस वन प्लस वन विच विल बी इक्वल टू थ्री प्लस टू टाइम्स, बिकॉज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी दो बार है, बी डॉट सी भी दो बार है और ए डॉट सी भी दो बार है, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हो गया। दिस इंप्लाइज जो आपकी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? -3/2 के, एंड दिस विल बी योर आंसर। आशा करता हूँ गाइज आपको मेरी सारी बात क्लियर हो गई है और आपको डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर है। एनसीईआरटी में पूरी एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट पर डेडिकेटेड गिवन है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज अभी के अभी वीडियो देखते ही कर डालो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगली वीडियो के लिए इसी तरह चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके देन गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।